माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र पर बात रखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद, आभार। बजट 2024-25 पेश हुआ, बजट अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा, बजट अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा रहा। सभी वर्ग विशेष का पूरा ध्यान रखा गया। एक अच्छे बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। बजट के पूर्व भी सरकार द्वारा प्रदेश के विकास और जनहित के लिए कई अच्छे कार्य और महत्वपूर्ण निर्णय लेके, उसमें ईआरसीपी की योजना तो प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हुई, जल ही जीवन है, और उसके बाद 20,000 लोगों को रोजगार देना ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। इसके साथ पेंशन और किसान निधि को बढ़ावा देना ये भी महत्वपूर्ण कार्य था। पर इन अच्छे निर्णयों के साथ, इन सब निर्णयों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय छूट गया है, वह है गौ माता का विषय, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही गंभीर विषय है। गौ माता की पीड़ा से सदन के सभी सदस्य परिचित है। हर शहर में सैकड़ों गौ माता रोड पर भूखी प्यासी खड़ी है। नंदी बाबा उदास, निराश, थके हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। क्या राजा का दायित्व नहीं है कि प्रजा के साथ पशु पक्षी का भी ध्यान रखे? मानव के लिए लाखों करोड़ों का बजट है और भूखी प्यासी गौ माता के लिए कुछ नहीं है। परसों उप मुख्यमंत्री जी का 3 घंटे का बजट भाषण सुना और प्रतीक्षा करते रहे गौ माता पर कुछ बोलेंगे। हम सभी को समझना चाहिए, मानव चाहे कितने भी साधन सुविधा जुटा ले, पर गौ माता पीड़ा में है तो तब तक मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। धरती पर माँ से बड़ी कोई उपमा नहीं है, और माँ की पदवी धरती माता एवं भारत माता को मिली है, उसके साथ ही गौ माता को मिली है। गौ माता हमारे लिए क्या है, इससे बड़ा इशारा या कोई संदेश नहीं हो सकता। आज वही गौ माता की इतनी बड़ी दुर्दशा देखकर आंखें भर आती है। क्या यही रामकृष्ण बुद्ध महावीर का देश है? माननीय सभापति जी, आपसे व माननीय सदस्यों से निवेदन करते हैं कि हम सभी, आप सभी मिलकर गौ माता पर कोई ठोस नीति बनाए जिनसे उनकी पीड़ा का समाधान हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, बजट में गौशालाओं का अनुदान 9 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दे। अभी जो बहुत ही जरूरी है, अभी जो अनुदान मिल रहा है वो भी आधा ही मिलता है, जहाँ पर एक गौ माता पर 80 रुपये और छोटी गौ माता पर 40 रुपये खर्च होता है, वहाँ 20 रुपये और 40 रुपये ही मिलता है। उसके अलावा भी 9 माह का मिलता है, तो हमें बहुत ही ज़रूरी है 12 माह का करना, या 80 और 60 या आप 30 रुपये कर दें। और इसकी तरफ आपको एक गौ संवर्धन नियम 2016 की तरफ भी ध्यान आकर्षित करेंगे। 2016 में गौ शेष कर के नाम से एक नियम बना है, उसके तहत 2023 में गौ शेष कर में 1100 करोड़ रुपए आए हैं और 800 करोड़ ही 9 माह में गौशालाओं को बांटे गए हैं, तो 300 करोड़ से 3 माह का अनुदान तो पूरा दिया जा सकता है। अब हम हमारी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। बजट में बहुत कुछ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने भीलवाड़ा को जो महत्वपूर्ण सौगात दी, जिसमें माही डैम का जल भीलवाड़ा के लिए एक वरदान साबित होगा, साथ ही भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करना ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, इससे भीलवाड़ा के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इसके साथ ही टेक्सटाइल पार्क सहित जयपुर भीलवाड़ा का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे निर्माण सहित और कई घोषणाएँ की, फिर से आपका बहुत बहुत आभार। पर हम आपसे कहना चाहेंगे, बजट में हमारी मुख्य मांग थी एक एलिवेटेड रोड और आरओबी, जो कि भीलवाड़ा शहर बहुत बड़ा शहर है और 2 भागों में विभाजित है, पटरी के इस पार और पटरी के उस पार, और आने के लिए मात्र एक पुलिया है, और वहाँ पर भी भीड़ का इतना दबाव रहता है, पब्लिक इतनी दुखी रहती है और आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। तो आपको हमारा निवेदन है कि घंटू जाम से छुटकारे व आए दिन होने वाली दुर्घटना के बचाव हेतु आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप भीलवाड़ा के लिए एक एलिवेटेड रोड और एक आरओबी का निर्माण बजट में लेवे। साथ ही भीलवाड़ा और राजस्थान रोडवेज डिपो की हालत भी अच्छी नहीं है। आपने अपने रोडवेज आधुनिकीकरण में 10 जिलों को लिया है, उन जिलों में भीलवाड़ा का नाम जोड़ना भी बहुत जरूरी है। यहाँ प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार यात्री आते हैं। उक्त दोनों मांगों की पूर्ति पर भीलवाड़ा की जनता आपका बहुत बहुत आभारी रहेगी। इसी के साथ मैं आपका ध्यान अपराध को तत्काल रोकने के लिए हर जिले स्तर पर PCR वैन लगाए, जो 5 किलोमीटर को कवर करेगी। ये PCR वैन एक चलता फिरता थाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।